बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी के सामने दोहरी चुनौती खड़ी है। एक तरफ उसे महागठबंधन में जारी घमासान को थामना है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी पार्टी में ही बुलंद हो रही बगावत की आवाज को भी रोकना है। जी हां, इस वक्त आरजेडी के वरिष्ठ नेता ही एक दूसरे के खिलाफ उतर आए हैं, जिन्हें मनाने की जिम्मेदारी लालू यादव की है। बिहार में कभी अपनी धाक जमाने वाली आरजेडी अब धीरे धीरे सियासी जमीन पर अपना वजूद खोती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में शून्य पर सिमटी पार्टी के सामने अब विधानसभा चुनाव में अपने वर्चस्व को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन लगता है कि इस अग्नि परीक्षा को पार करना आरजेडी के लिए किसी पहाड़ को तोड़ने से कम नहीं होगा। इसकी बड़ी वजह पार्टी में छिड़ी बगावत है। दरअसल जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव की नीतियों से खफा होकर पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखी है। इससे पार्टी की अंतरकलह उजागर हो गई है। वहीं पार्टी भी दो खेमों में बंटती नजर आ रही है। वहीं इस बगावत को पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवंश सिंह ने और बढ़ा दिया है। उन्होंने शिवानंद तिवारी का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में कम्युनिकेशन गैप है। आरजेडी के दो बड़े नेताओं का ये बयान चुनाव से पहले उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह और जगदानंद सिंह की पहचान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के हनुमान और संकट मोचक के तौर पर होती रही है। तभी तो उनके बिफरने से पार्टी का बिखरना तय है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब अपने हनुमान और संकट मोचक को मनाएंगे। इस बात को खुद शिवानंद तिवारी ने भी माना है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच विचारधारा का फर्क जरूर है, लेकिन दोनों पार्टी और लालू जी के मजबूत स्तंभ हैं। जब दोनों एक साथ बैठेंगे तो यकीनन सारी कटुता मिट जाएगी। उन्होंने कहा कि इन दोनों महारथियों को समझाने वाला लालू यादव के अलावा और कोई नहीं है। अब नेताओं ने तो आरजेडी में छिड़ी रार को दूर करने की जिम्मेदारी लालू यादव पर डाल दी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि लालू कैसे दोनों नेताओं का मिलाप भरत और राम की तरह कराते हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।